तो अ वेरी गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। अभी तक हम फ्लटर के कोर्स में काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं। दिस वन इज गोइंग टू बी अ रिकॉर्डेड लेक्चर ड्यू टू द रीजंस वी ऑल नो द फेस्टिवल, राइट? सो जल्दी से सेशन को ख़त्म करेंगे एंड होपिंग दैट इस सेशन में हम मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर कर लें, ताकि अगर इन केस हम कभी मिलते हैं दोबारा फॉर द नेक्स्ट सेशन तो हमारे पास ऑल द थिंग्स वुड बी डन एंड वो सिर्फ एक डाउट सॉल्विंग सेशन के जैसा होना चाहिए, राइट? So, अभी तक हम माई फर्स्ट ऐप देख चुके हैं, सिंपल एडिंग ऐप देख चुके हैं, टिंडर कार्ड्स देख चुके हैं, टू डू लिस्ट देख चुके हैं, ट्रूथ एंड डेयर गेम। अब एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट जो आज हम देखने वाले हैं, इट इज गोइंग टू बी द लॉगिन पेज यूजिंग फायरबेस। एंड फायरबेस एक ऐसा कंपोनेंट है विच हेल्प्स इन द बैक एंड ऑफ दैट थिंग्स, एंड इसीलिए आज हम इसको स्टडी करेंगे टू सी की बैक एंड पे फ्लटर के साथ हम लिंक करके कैसे डाटा को फेच कर सकते हैं। एंड यू नो द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट फायरबेस इज इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अप टिल अ लिमिट विच ऑफ कोर्स इज टू मच फॉर अ न्यूबी। इसलिए अगर तुम अपनी एप्लीकेशन बनाते हो, तुम इवेंचुअली उसको पब्लिश करते हो, देन यू कुड यूज फायरबेस टू यूज द बैक एंड, फेच द डाटा इन द बैक एंड, एंड उससे होगा क्या, द थिंग्स वुड स्टे इन द प्लेस। एंड आई होप यू आर गुड ऑन गुड विद मी ऑन दोज टर्म्स, एंड लेट्स स्टार्ट एंड स्टडी करते हैं कि आज हम कौन कौन से कंपोनेंट्स को पढ़ने वाले हैं फॉर दिस होल थिंग। सो आज हम फायरबेस का थोड़ा सेटअप देख लेंगे, एंड उसको सेटअप करने के लिए हम एक लॉगिन यूआई बनाएंगे जहां पे हम उसकी आउटपुट देख सकते हैं। एंड देन वी विल सी कि फायरबेस से डाटा कैसे फेच होता है, एंड अ बिट इंट्रोडक्शन अबाउट दिस हीप मैप कैलेंडर एंड इंस्टाग्राम क्लोन तो हम बना ही लेंगे। हीप मैप कैलेंडर आई एम एक्सपेक्टिंग टू योर टू बी योर फाइनल असेसमेंट, जिसके जरिए मुझे पता चलेगा कि यू आर ऑन गुड टर्म्स विद फ्लटर। ऑफ कोर्स हम इसको डिस्कस कर सकते हैं लेटर अगर कोई किसी को इश्यू आता है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द फायरबेस सेटअप, तो बिल्कुल ही सिंपल स्टेप्स हैं इसके। ये पांच स्टेप्स दिखने में बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स लगता है प्रोसीजर अगर तुम कहीं भी देखोगे, बट आज इस ट्यूटोरियल में हम बिल्कुल सिंपली इस वे में कर लेंगे ताकि तुम्हें ये आसानी रहे। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा अपने वीएस कोड में और वहां जाके मैं फ्लटर बूट कैम्प का फोल्डर खोलूंगा और इसको मैं ओपन विद कोड कर लेता हूँ। ओपन विद कोड करके मैं जाऊंगा यहाँ कमांड पैलेट में, मैं जाके नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा एंड दिस विल टेक अ कपल ऑफ मिनट्स। बाय द टाइम आई होप कि तुम सब अपना वीएस कोड वगैरह खोल के रख लेते हो ताकि तुम साइड बाय साइड इसको कोडिंग कर सकते हो, एंड इन केस यू हैव एनी इश्यूज यू कुड कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली। सो लेट मी जस्ट, या वहां पे ऑप्शन आ गई थी कमांड पैलेट में, न्यू प्रोजेक्ट एंड एप्लीकेशन फ्लटर इस प्रोजेक्ट के अंदर बनाएंगे। आई होप आप सब अभी तक फैमिलियर हो चुके होंगे कि एप्लीकेशंस कैसे क्रिएट करते हैं। तो लेट्स फॉर इजी इसको नाम दे देते हैं फायरबेस ट्यूटोरियल। तो मैंने इसको ये नाम दे दिया। अब ये जल्दी से फायरबेस का जो बिल्कुल बेसिक कोड होता है फ्लटर का, माई फर्स्ट ऐप जो हमने देखा था उसका एक कोड एग्जीक्यूट करके दे देगा। लेट्स जस्ट लेट इट रन फॉर अ वाइल एंड टिल देन इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पे ऑफ कोर्स हमें डिवाइस खोलनी पड़ेगी। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग नाउ हियर इज लाइक एज इट इज अ रिकॉर्डेड लेक्चर सो आई वुड ऑप्ट फॉर द एंड्रॉइड एमुलेटर, ताकि मैं एंड्रॉइड एमुलेटर पे तुम्हें दिखा सकूँ कि कैसे थिंग्स वर्क करते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द फायरबेस, तो फायरबेस का वेब के लिए जो सेटअप है ना वो हल्का सा डिफरेंट है, बट मैं तुम्हें प्रोसीजर बता दूंगा कि तुम उसको कैसे कर सकते हो, तो तुम अपने खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट टू गो विद एंड्रॉयड एमुलेटर एंड फ्लटर, बिकॉज रीजन बींग की जो एंड्रॉयड के साथ है ना उसके स्टेप्स बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम है तो तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे। बट वेब वाले वर्जन के साथ क्या होता है उसके एमुलेटर में, बेसिकली वेन यू ट्राई टू रन इट तो उसमें इशू ये आता है कि दैट इट इज नॉट सो मेन स्ट्रीम, इसलिए उसमें कुछ ऐसे एरर्स आ सकते हैं जिन्हें रिजॉल्व करने में एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। सो यू नो जस्ट टू अवॉइड दैट हैसल यू कुड डू इन द एंड्रॉयड थिंग। एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए ऑफकोर्स अगर तुम उस पर कोड कर लेते हो अच्छे से, तो तुम जब कोड को बिल्ड करते हो ना तो वो वेबसाइट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है, तो उस टाइम पे वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट? इसीलिए वी विल गो विद दिस अप्रोच एंड फ्लटर क्रिएट ने इसने ऑलमोस्ट कर दिया है। विल जस्ट होप इन अ मिनट की ये क्रिएट कर दे। ये देखो ये हमारा प्रोजेक्ट दिख रहा है। अब मैं बस विंडोज पे क्लिक करूंगा, योर फ्लटर प्रोजेक्ट इज रेडी टू स्टार्ट। स्टार्ट एंड्रॉइड एमुलेटर करूंगा और एक बार इसे रन कर लूंगा ताकि पता चल जाए सब चीजें सही वर्क कर रही है। फिर मैं आपको बिल्कुल बेसिक स्टेप्स में बताऊंगा कि कैसे आप फायरबेस को सेटअप कर सकते हैं। सो लाइक आई जस्ट वेट टिल इट स्टार्ट्स एंड बाय द टाइम सी दीज आर द बेसिक स्टेप्स।
सो ऑल यू नीड टू डू इज एड न्यू प्रोजेक्ट, वो हम अभी कर चुके हैं। उसके बाद लिंक फायरबेस टू योर प्रोजेक्ट, वो कैसे लिंक होगा, ये वेबसाइट है console.firebase.google.com और ये मैंने अपने का स्क्रीनशॉट लगाया, तो यहाँ पे मेरा एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट पड़ा था, तो ये वो वाला प्रोजेक्ट है, हम इसमें जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और ना इसके जो स्टेप्स हैं वो सिंपली वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, हमें कुछ नहीं करना, हमें वो स्टेप्स को पकड़ना है, उन्हें एज इट इज कॉपी कर देना है बस। और ये हमारा एंड्रॉइड एमुलेटर खुल चुका है, जस्ट आई विल ड्रैग इट हियर एंड इसको हल्का सा एडजस्ट कर देते हैं ताकि द स्क्रीन लुक्स नाइस, राइट। तो अब आई विल जस्ट प्रेस शिफ्ट F5 एंड विल सेटल डाउन फॉर अ फ्यू मिनट्स ताकि स्टार्ट हो जाए। सो अब हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट लोड हो चुका है, बेसिक जो प्रोजेक्ट होता है सिंपली, एंड ये एडिशन वगैरह के जो ऑपरेशंस है वो सबको परफॉर्म करता है। सो अब हमारा दूसरा स्टेप हो जाता है कि हम इस प्रोजेक्ट को लिंक करना है, तो मैं अपने क्रोम में जाऊंगा, मैं क्रोम में गया, अपने फायरबेस कंसोल को मैंने यहाँ पे ओपन किया। फायरबेस कंसोल क्या है, वहाँ पे फायरबेस के रिलेटेड सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट है, उसके अराउंड कैसे कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो पहला लिंक होगा, सबसे पहले उसको खोल लेना जाके, और इन केस तुम्हारा अकाउंट नहीं क्रिएटेड है तो तुम अपने गूगल अकाउंट्स के साथ लॉग इन कर सकते हो इसमें, दैट इज वेरी मच सिंपल। सो तुम जैसे इसके अंदर एंटर करोगे, यहाँ पे ऑप्शन होगी गेट स्टार्टेड की, तो जो पहली बार यूजर आएगा इसके ऊपर जिसने कभी फायरबेस कंसोल यूज नहीं किया, उसके लिए ऑप्शन में आ जाएगा यहाँ पे कि लॉग इन विद गूगल करो ऐसे, या फिर ईमेल के साथ साइन इन करो, तो वो सब कर लेना। हम यहाँ पे सीधा जाएंगे गेट स्टार्टेड पे एंड आई विल जस्ट होप कि ये लोड हो जाए। तो ये अपना फायरबेस कंसोल खुल चुका है, तुम यहाँ पे देख सकते हो मेरा ऑलरेडी प्रोजेक्ट है, ये मैं कर रहा था उसके लिए। सो मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, फिर से दिखा देता हूँ एक बार, ये रहा, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट एड प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, उसका नाम यहाँ पे भी रख देते हैं फ्लटर ट्यूटोरियल और फायरबेस ट्यूटोरियल रहता, इसका ये नहीं है कि जरूरी तुमने वही नाम रखना है, तुम कुछ भी नाम रख सकते हो, बट ये से कि कुड नॉट कंटेन द लेटर्स, तो यहाँ पे ना बेसिकली ये हाइफन है, यहाँ पे हाइफन आया अंडर स्लैश की जगह, तो यहाँ तुम कर सकते हो कुछ भी नाम से क्रिएट हो जाएगा अपने आप। और ये गूगल एनालिटिक्स को टर्न ऑफ कर देना एटलीस्ट जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, बिकॉज ये बेसिकली अगर गूगल एनालिटिक्स के बारे में सबको आइडिया होगा कि सॉर्ट ऑफ दीज आर रिलेटेड टू एबी टेस्टिंग, और जब तुम एक्चुअल में प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो उसमें यूजफुल होता है, बट वी नीड नॉट टू गो टू दैट एस्पेक्ट राइट नाउ, बिकॉज अभी हम जस्ट सीख रहे हैं कि फ्लटर वर्क कैसे करता है। तो मैं इसको अपना काम करने दूंगा, यहाँ पे इसको बोलूंगा कि क्रिएट फ्लटर प्रोजेक्ट, और इसको क्रिएट करने में 2 मिनट लगेंगे, एंड उसके बाद ये तुम्हें खुद ही सजेस्ट करता जाएगा सिंपल प्रोसीजर टू सेटअप फॉर एंड्रॉयड मैक ओएस एंड वेब एज वेल। हर एक का मल्टीपल अलग अलग सेटअप है, तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली एंड्रॉयड को फोकस कर रहे हैं एंड उसके रिगार्डिंग ही मैं तुम्हें दूंगा। So it said your project is ready, so I will continue. So मेरा project ready हो चुका है, अब मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ पे देखो इसने खुद ही ऑप्शन सजेस्ट किया गेट स्टार्टेड बाय एडिंग फायरबेस ऐप टू योर ऐप। तो यहाँ पे तुम iOS की ऑप्शन देख सकते हो, ये ऑप्शन होगी वेब के लिए, यूनिटी के लिए फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन है और हमें करना है क्योंकि एंड्रॉइड, तो हम एंड्रॉइड पे क्लिक करेंगे। तो अब ये मांग रहा है रजिस्टर ऐप एंड्रॉइड पैकेज डॉट नेम, तो ये हमारे ऐप का नाम मांग रहा है, और ऐप के नाम के लिए क्या करना है ध्यान से देखना, VS कोड में तुम जाओगे यहाँ फाइल्स वाले फोल्डर में, एंड्रॉइड वाले फोल्डर में जाओगे, एंड्रॉइड में यहाँ तुम्हें ऑप्शन लिखेगी ऐप की, तो जैसे तुम ऐप के अंदर जाओगे यहाँ बिल्ड डॉट ग्रेडर करके, अभी ये ध्यान में रखना है यहाँ पे दो दो बिल्ड डॉट ग्रेडर है, उन दोनों का अलग अलग यूज होगा, बट अभी के लिए हम ऐप वाली बिल्ड ग्रेडर में जाएंगे। और इसके अंदर जैसे तुम नीचे स्क्रोल करोगे यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा एप्लीकेशन आईडी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एप्लीकेशन आईडी है, तुमने कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी करना है जो डबल कोट्स के अंदर लिखा है, इसको कॉपी करो यहाँ पेस्ट कर दो, और इसका नाम क्योंकि हम फायरबेस ट्यूटोरियल ही रखा है हर जगह, तो यहाँ भी वो रख लेते हैं। ये SHA को अभी इग्नोर कर देना, ये गूगल के लिए जब हम साइन इन या ऑथेंटिकेशन करते हैं तब यूजफुल होता है, बट अभी के लिए हम सिर्फ नॉर्मल साइन इन देखते हैं कैसे करते हैं, गूगल वाला इज अ लेटर ऑप्शन, सो इसीलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये ऑप्शनल है। तो मैंने ऐसे किया, अब देखो यहाँ पे बिल्कुल 4 बेसिक स्टेप्स हैं, ये खुद ही तुम्हें सजेस्ट करता जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। तो मैंने इसको ऐसे किया एंड
इसने मुझे बोला अच्छा ये जेसॉन फाइल है इसको डाउनलोड कर लो। से स्विच टू द प्रोजेक्ट व्यू इन एंड्रॉइड स्टूडियो एंड वहां पे रूट डायरेक्टरी में इसने बताया कि अच्छा जहां पे तुमने ऐप डाला हुआ है बिल्ड ग्रेडल के साथ इस फाइल को डाल देना। तो मैं भी वही करूंगा, मैं इसको डाउनलोड करूंगा। तो अब मैं फाइल एक्सप्लोरर में आऊंगा क्योंकि ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है और मैंने यहाँ पे डाउनलोड्स में डाउनलोड की थी। मैं इसको आऊंगा लेके और यहाँ पे इस वाले को खोलूंगा, इसको थोड़ा इधर करूंगा एंड ताकि मेरा मेहनत कम हो एंड मैं यहाँ से इसको पकड़ूंगा एंड इसके अंदर कॉपी कर दूंगा। तो ये यहाँ पे कॉपी हो चुकी, ये हमारा प्रोसेस हो गया। अब क्योंकि मैंने कॉपी इसकी यहाँ, तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसको टैब को फाइल एक्सप्लोरर की बंद कर देता हूँ। अब मैं वापस यहाँ आऊंगा, अब हम अगले स्टेप्स पे चलते हैं कि क्या कह रहा है आगे। हमने ये कर लिया तो हम सीधा जाएंगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये कह रहा है एड फायरबेस एसडीके। तो यहाँ पे तुम बहुत सारी मल्टीपल ऑप्शंस देख रहे हो, बट अगर तुम अपने बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल को देखोगे खोल के, वहां पे आधी ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें बस ये करना है इस लाइन को कॉपी करो और इस बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल में आओ और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। ये पेस्ट कर दिया, सेव कर देना। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये आईडी है ना लॉगिन वाली, हमें यहाँ पे भी गूगल सर्विसेज वाली चाहिए, इसको सिलेक्ट करना। और ये देखो जैसे तुम देख सकते हैं यहाँ पे गूगल और मेवन ऑलरेडी एडेड है, तो वो सब रिक्वायरमेंट होती है। अब हम दूसरी वाली बिल्ड ग्रेडल में आएंगे, वहां पे तुम देख रहे हो यहाँ पे ऑप्शन है अप्लाई प्लग इन कर करके, तो इसके नीचे ना इसको पेस्ट कर देना और यहाँ पे आईडी की जगह लिख देना अप्लाई प्लग इन। लो इसने अप्लाई कर दिया प्लग इन। अब ये इतना काम हो गया। अब इसके बाद एक छोटा सा प्रोसेस और है जिसके बिना मतलब एंड्रॉयड के अंदर दिक्कत आ सकती है। यहां तो तुम्हें ये कह देगा कि कंटिन्यू टू कंसोल, बट अब अगर तुम अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे सिर्फ इतने में सेव करोगे तो तुम्हें एक एरर आएगा, वो कहेगा मिनिमम एसटीके वर्जन। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, जहां पे तुमने पेस्ट किया था ये वाली फाइल में ही, यहाँ पे देखो हमने ऊपर अप्लाई प्लग इन किया, इसके नीचे आओगे मिनिमम एसटीके वर्जन है ना, इसको काट के 21 कर देना। तो ये 21 हो गया। अब इसको हम बंद कर सकते हैं, गूगल जेसन फाइल को भी बंद कर सकते हैं, इसको भी बंद कर सकते हैं, ये वाली फाइल को भी बंद कर सकते हैं। और हम यहाँ पे आएंगे इसको बंद करके, एंड्रॉइड को भी बंद करके अपनी लाइब्रेरी वाली फाइल में। और अब हमें टेस्ट करना है कि ये देखो इसने तो कह दिया कि हमारी तरफ से काम हो चुका भैया, अब आपका सेटअप है, आप जो मर्जी करो। तो हम आएंगे इसको भी बंद कर देंगे एंड अपने वीएस कोड को दोबारा खोलते हैं एंड यहाँ सी। अब मैं यहाँ आ गया। अब अगर तुमने यहाँ तक सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से सेटअप करी होंगी ना, तो तुम जैसे इसको कंट्रोल सेव दबाओगे तुम्हें कोई एरर नहीं आएगा और ये अच्छा खासा चल जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें फायरबेस को इनिशिएट करना है। और फायरबेस को इनिशिएट करने से पहले तो ये देखो यहाँ पे चल रहा है इजीली। अब हमें क्या करना है, अब हमें ना फायरबेस को इनिशिएट करना है। तो यहाँ पे तो मैंने प्रोसेस वो बताया कि वो तीसरा स्टेप है, तो यहाँ पे जो एक दो स्टेप्स अभी रह चुके हैं वो है अप्लाई प्लगइन एंड ऐड डिपेंडेंसी। अप्लाई प्लगइन क्या है, अप्लाई प्लगइन जो वो हमने ऑप्शन डाली थी वो डाल चुके। अब डिपेंडेंसी के लिए क्या करना है, हमें पता है कि हमने कमांड पैलेट में एक्सटेंशन डाल रखी है पब डॉट असिस्ट की। यहाँ आएंगे, यहाँ हम डालेंगे फायरबेस कोर। तो तुम जैसे ही डालोगे, अगर तुम बिल्कुल सही सही नाम डालते हो, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये उठा लेगा कि अच्छा ये वाली फायरबेस कोर है। तो ये दिखने आ गया एडेड फायरबेस कोर, ऐसे ऐसे आ चुका है। अब इनिशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमारा लॉगिन वाला यूआई वाला है, ये इसको हम थोड़ी देर बाद में देखते हैं ताकि हम यूआई बनाएं और उसमें लॉगिन की करें। अब ये एक बेसिक स्टेप है जो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। और ये जो मैंने नीचे स्क्रिप्ट डाल रखी है ना वो उसके लिए है, जब अगर तुम वेब के ऊपर ट्राई कर रहे हो तो तुम्हें वहां पे एक एरर आता है, बट लेट्स नॉट गेट इन टू दैट, क्योंकि इसमें तुम इंडेक्सिंग वगैरह करके करोगे ना तब तुम्हें पता लगेगा जब तुम सेटअप करोगे। सो कमिंग अबाउट दिस, तो यहाँ पे तुम करोगे इम्पोर्ट फायरबेस पैकेज को और जो हमारा मेन है उसको हल्का सा ट्रिगर करोगे, तो वो चेंज क्या होगा। तो पहले ना मैं इसको थोड़ा इतना जो गंदा कोड है इसको हटा के खाली सिर्फ एक ना वो डाल देता हूँ ताकि पता लग जाए अच्छा ये हमारा चल रहा है। तो मैं इसे हटाऊंगा और जो हमेशा हम करते हैं स्टेटलेस विजेट बनाते हैं वो करते हैं इसके साथ। तो मैंने आया यहाँ पे, मैंने करा स्टेटलेस विजेट जिसका नाम है माई ऐप, माई ऐप रखा, इसके अंदर मैंने रिटर्न करवाया मटेरियल ऐप, मटेरियल ऐप रिटर्न करवाया, मटेरियल ऐप के अंदर होम दे दिया मैंने अपना, होम
होम पेज, होम पेज देके अपना होम कर दिया। और यहाँ पे आते हैं बिल्कुल बेसिक होम पेज बना लेते हैं होम डॉट डार्ट से। यहाँ पे करेंगे इम्पोर्ट मटेरियल डॉट डार्ट, ये कर दिया। और यहाँ पे एक स्टेट लेस विजेट बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं होम पेज। और इसके अंदर हम डाल देते हैं स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड के अंदर ऐप बार, ऐप बार के अंदर ऐप बार विजेट, एंड उसके अंदर टाइटल आएगा टेक्स्ट की फॉर्म में कि हमारा मान लो फायरबेस, हम इतना लिख देते हैं। और यहाँ पे आगे हमें बस अपडेट करना है इसको कि यहाँ आओ आके अपने आप इम्पोर्ट कर लो। तो ये इम्पोर्ट कर लिया, अब इतने में ये फायरबेस वाला ये अच्छे से चलेगा, ठीक ये चलता है ना। अब हमें क्या करना है, इनिशियलाइज करना है फायरबेस को। तो हम यहाँ आएंगे, इस वर्ल्ड को हटा के फ्यूचर कर देंगे। तो अगर मैंने तुम्हें बताया था फ्यूचर का यहाँ पे मतलब होता है कि सिंक्रोनस होता है कंपटीशन मतलब कंप्यूटेशन, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो एरर आ रहा है। इसका रीजन है क्योंकि हमने इसे एसिंक नहीं किया। एसिंक्रोनस का बेसिकली वो होता है कि हम बाद में उसे यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती फ्यूचर में, मतलब पहले वो फायरबेस के साथ रन होता है उसके बाद कोड एग्जीक्यूट होता है, तो इसीलिए हम करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, विजेट्स फाइंडर, ये देखो विजेट्स फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशियलाइज। ये क्या करता है, जो जितने विजेट्स है ना, क्योंकि हमने कह दिया फ्यूचर में बाइंड होंगे, तो हमने इसे बताना है कि अच्छा हम बजट्स है ना, जो हमारे विजेट्स हैं वो सारे इनिशियलाइज हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये करेंगे और उसके बाद हम फायरबेस के सेटअप को अवेट कर देंगे। अवेट करने का क्या मतलब है कि यहाँ पे इनिशियलाइज कर दो फायरबेस की एप्लीकेशन। तो मैं जैसे ही यहाँ पे अवेट फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप करूंगा, तो अब तुम देखना यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली फायरबेस के कोर को इंपोर्ट कर लिया जब मैंने फायरबेस के साथ ये किया। अगर तुम्हारा नहीं करता तो तुम इसके ऊपर क्लिक करके ऐसे करके इसको इंपोर्ट कर सकते हो। अब अगर तुमने सारा सेटअप बिल्कुल सही किया और मुझे फॉलो किया होगा तो तुम्हारा ये ऐसा आ जाएगा, वरना कोई ना कोई एरर आएगा। अगर कोई एरर आता है देन ट्राई डूइंग दिस होल प्रोसीजर वंस अगेन, और अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता देन यू कुड कॉन्टेक्ट मी। बट अब ये तुम्हारा ना बेसिक फायरबेस सेटअप हो गया। अब हमारा बेसिक फायरबेस सेटअप हो गया, अब हमें देखना है कि फायरबेस के साथ हम लॉगिन पेज को कैसे लिंक करते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे एक फाइल बना के रखी है जिसके साथ मैं तुम्हें ओवरव्यू दूंगा, बिकॉज ऑफ कोर्स ये हमारा तरीका है कि हम चीजों को सिंपल रखने के लिए उनको उस वे में यूज करते हैं। तो उसके अंदर मैंने ना यूआई बनाया है जो मैंने असाइनमेंट दी थी पुरानी, तो उसके अंदर बस वही बना हुआ है। तो उसको पकड़ते हैं और यूआई के कंपोनेंट्स को देखते हैं। तो मैं इसको बंद कर दिया, ये वाला मैंने प्रोजेक्ट बंद कर दिया। अब मैं जाऊंगा अपने फाइल्स में और मैंने यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बना के रखा है ये देखो, ये लॉग इन फायरबेस नाम से, आई जस्ट ओपन इट विद कोड एंड मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि मैंने कैसा बनाया है। क्योंकि तुम्हारी असाइनमेंट थी लॉग इन पेज क्रिएट करना, तो तुम ओवरव्यू ले सकते हो कि मैंने कैसे बनाया, अच्छा ये कंपोनेंट्स तुम कैसे कर सकते हो। तो एक बहुत असेंशियल चीज देखना, मैंने पिछली क्लास में तुम्हें स्ट्रक्चरिंग सिखाई थी ना प्रोजेक्ट्स की, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट पूरे स्ट्रक्चर में है। और क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी बनाया तो यहाँ पे मैंने इमेजेस का फोल्डर ना ऐसे ही डाल दिया इसमें एप्पल और ये, और बिल्कुल जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तुम्हारे इसी टाइम में तुम्हें इसे अपलोड कर दूंगा अभी गिटहब पे। और अगर किसी को दिक्कत है ये देखो मैं गिटहब पे कैसे अपलोड करता हूँ, मैं देखता हूँ कि कईयों के ना वो मैनुअली अपलोड करते हैं हर एक फाइल, सो दैट इज नॉट अ वे। तुम यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे कमिट की ऑप्शन आती है, कमिट एंड पुश करना है और यहाँ पे यस करके तुम्हें बस यहाँ पे नाम लिखना है। यहाँ पे तुम नाम लिखोगे अगर बेसिकली कि सपोज ये कमिट है लॉगिन पेज का, ये कुछ नहीं है इसमें, बस हमें कमेंट्स पास होती है जहाँ पे वो शो नहीं होता कि फर्स्ट कमिट फाइनल कमिट। तो यहाँ तुम जैसे टिक कर दोगे सारा अपने आप कमिट हो जाएगा जितना कोड है। इसीलिए ट्राई दिस थिंग, इसको करने का सिंपल तरीका है तुम डॉट गिट पे जाओगे तो वहां जाके हो जाता है। एंड अब मैं यहाँ पे जाऊंगा अपने एमुलेटर को स्टार्ट कर लूंगा ताकि मैं तुम्हें आउटपुट दिखा सकूं इसकी बिल्कुल जल्दी से। एंड while it gets loaded मैं तुम्हें थोड़ा ओवरव्यू दे दूं कि हमने किया क्या है। यहाँ पे हम बिल्कुल मेन वाली अपनी फाइल में आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने इस वाली मेन वाली फाइल में आया और यहाँ पे मैंने कुछ पर्टिकुलर चीजें लिखी। मैंने क्या किया, एक मटेरियल ऐप इम्पोर्ट करवाया वो अपना सबसे बेसिक हमें पता है, और दूसरा मैंने क्या किया लॉग इन फायरबेस नाम का एक फोल्डर है उसके अंदर लॉग इन डॉट डार्क को इम्पोर्ट करवा लिया बिकॉज मेरा लॉग इन पेज प्रेजेंट है। तो वर्ड मेन के अंदर हम जैसे करते हैं मटेरियल ऐप और डीबग मोड को फॉल्स कर दिया और यहाँ पे होम पे एक सिंपल लॉग इन पेज को हमने
कॉल कर लिया। अब हम अपने लॉगिन पेज के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही जैसे कि तुम देख सकते हो, बट वी नीड टू इग्नोर दिस। हम फिलहाल के लिए देख लेते हैं कि हमने एक स्टेटलेस विजेट बनाया है और उसके अंदर स्कैफोल्ड इम्पोर्ट किया है। ये कंट्रोलर हम देख चुके हैं, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर्स होते हैं ये, बेसिकली टेल्स की अच्छा हमने डाटा स्टोर करवाना है उसका। और जब हमने टू डू लिस्ट बनाई थी उसके केस में हम देख चुके थे। तो स्कैफोल्ड के अंदर मैंने क्या कहा, बैकग्राउंड कलर ग्रे दे दिया। आई जस्ट रन इट इन द डीबग मोड और ये मैंने सेफ एरिया है, ये मैंने सेफ एरिया को तुम्हारे साथ डिस्कस नहीं करा, बट इट बेसिकली टेल्स ना कि जब ना कोई ऐप बार नहीं बनाते हम तो उस केस में सेफ एरिया यूज होता है ताकि जो ऊपर नोटिफिकेशन वाली जगह है ना वो फिल ना हो जाए। जैसे कि तुम अभी देख सकते हो ये पुराना वाला प्रोजेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है ना, तो डीबग वाला वो नोटिफिकेशन के पीछे हट जा रहा है। तो अगर मैं इसको रैप कर देता हूँ सेफ एरिया के साथ, तो उसमें होता क्या है, जो ये वाला ऊपर वाला इतना पोर्शन है और ऐसे ही नीचे अगर किसी का ऐप बार या बॉटम नैप बार होता है फोन का तो वो ढक लेता है ना, तो वो उसको हटा के उसके अंदर कर देता है कंटेनर को। तो वहां पे यही किया है और उसके अंदर मैंने चाइल्ड सेंटर डाला है और मैंने चाइल्ड स्क्रोल भी बताया था तुम्हें कि कॉलम को अगर हम रैप करना चाहते हैं कि ताकि वो स्क्रोलेबल बन जाए तो उसके लिए हम चाइल्ड स्क्रोल व्यू की ऑप्शन यूज कर सकते हैं या तो हम लिस्ट व्यू यूज कर सकते हैं। पर्सनली आई एम वेरी मच बिग फैन ऑफ यूजिंग कॉलम्स एंड रोज, इसीलिए यहाँ पे मैंने उसको चाइल्ड स्क्रोल व्यू के साथ रैप किया है एंड मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर की है। और ये सब कंटेंट है, ये इसके साथ मैंने कॉमेंट्स वगैरह सब डाल रखे हैं कि किस चीज के लिए है, एंड वो अभी तुम्हें यहाँ पे विजिबल हो जाएगा तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर। एंड तुम यहाँ पे ना कोई अनफेमिलियर से देख पा रहे होगे कि माई टेक्स्ट फील्ड, माई बटन हो गया और इसके अलावा बाकी ऐसी चीजें, तो इसका कुछ नहीं है, दैट इज वेरी इजी। मैंने पता क्या किया है, अच्छा स्क्वायर टाइल भी तुम बोलोगे ये क्या है, मैंने क्या किया है, जो विजेट्स को मैं बार बार यूज कर रहा हूँ और मैंने मतलब एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ फॉन्ट अपना बना के रखा है, तो क्योंकि मुझे पता कि जब मैं रजिस्टर का यूआई बनाऊंगा तो वहां भी वो यूज होगा, लॉगिन का बनाऊंगा वहां भी वो यूज होगा, इसलिए मैंने उसके लिए ना कंपोनेंट्स का होल्डर बना लिया और उसके अंदर अलग ही डाल दिया। तो माई टेक्स्ट फील्ड में क्या किया मैंने, मैंने जाके कहा कि मुझे तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, कंस्ट्रक्टर और उसमें क्या होगा कंट्रोलर, कंट्रोलर देगा कि ये डाटा है तुम्हारा उसको स्टोर कैसे करवाना है, हिंट टेक्स्ट क्या बताता है जैसे कि ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, जो यूजर को दिखा सके कि क्या है यहाँ पे। एंड द थर्ड वन द एब्सक्योर टेक्स्ट। एब्सक्योर टेक्स्ट मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम अपने टेक्स्ट को वो करना चाहते हैं कि यूजर को ना दिखे, जो जनरली पासवर्ड्स में होता है, तो मैंने ये भी रिक्वायर कर लिया क्योंकि अगर मैंने पासवर्ड है तो मैं उसके लिए इसे ट्रू कर दूंगा, अगर पासवर्ड नहीं होगा तो उसके लिए फॉल्स रखूंगा। तो उनके मैंने नाम दे दिए क्योंकि कंट्रोलर डायनेमिक रखना है क्योंकि टेक्स्ट की इनपुट होगी, बाकियों के मुझे पता है स्ट्रिंग जाएगी, बुलियन जाएगा, इसलिए मैंने उस अकॉर्डिंग दे दिया। अब इसके अंदर मैंने पैडिंग देके टेक्स्ट फील्ड बनाई, टेक्स्ट फील्ड जब मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी तो उसमें पढ़ाई थी तुम्हें, तो टेक्स्ट फील्ड बनाई, उसको कहा ये कंट्रोलर है जो तुम यूजर से लोगे, एब्सक्योर टेक्स्ट को भी बता दिया वो भी यूजर से लेना। डेकोरेशन में मैंने बेसिक डेकोरेशन की है ऐसे ऐसे और तुम देख सकते हो ऐसा कुछ यूआई तैयार होगा। और ये यूज टेक्स्ट फील्ड है जो यूजर नेम, यहाँ पे ये टेक्स्ट फील्ड विजिबल है। इसके अंदर मैंने क्या करा, बॉर्डर दे दिया और उसको फिल कर दिया ग्रे कलर के साथ, फील्ड को ट्रू कर दिया ताकि कलर फिल रहे, हिंट टेक्स्ट को मैंने दे दिया हिंट टेक्स्ट की वैल्यू और हिंट स्टाइल मैंने बता दिया कि अच्छा ये वाला स्टाइल होना चाहिए इस हिंट वाले टेक्स्ट का, जो एक्चुअल टेक्स्ट है उसका भी फिर डिफॉल्ट स्टाइल होगा, राइट। ये सब मैंने किया और इसके बाद इसको मैंने बस मेन के अंदर पैरामीटर्स पास करके इम्पोर्ट करवा दिया। सेम गोज फॉर स्क्वायर टाइल। स्क्वायर टाइल क्या है, स्क्वायर टाइल कुछ नहीं है, जो बैकग्राउंड में ये इमेजेस देख पा रहे हो तुम, ये वाले ये सारे जितने कंपोनेंट्स है स्क्वायर टाइल में प्लेस किए गए हैं, इसमें कुछ नहीं, वाइट डेकोरेशन दे दिए और बॉर्डर रेडियस दे दिया सर्कुलर 16 इनको, ताकि इसके ऊपर मैं आइकन्स प्लेस कर सकूं। और मैंने कहा चाइल्ड में चाइल्ड दे दो इमेज पाथ, इमेज पाथ को मैंने रिक्वायर्ड करवा दिया कि जब भी मैं स्क्वायर टाइल लगाऊं तो वहां पे इमेज पाथ दूं तो वो इमेज यूज हो जाए। और इमेजेस कहाँ है वो मैंने इमेजेस फोल्डर के अंदर डाल दिए, यहाँ पे एप्पल और गूगल के अंदर। अभी यहाँ तक तुम्हें कोई भी एरर लग रहा है तो जस्ट कमेंट डाउन राइट नाउ कि तुम्हें कहाँ एरर आ रहा है, और इनकेस ये वीडियो प्रीमियर हो रही होगी और मैं देख रहा हूँ तो तुम्हारे एरर्स को मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा, राइट। एंड यहाँ पे मैंने बिल्कुल बेसिक नीचे हम चलते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक वो बना लिया माई बटन डॉट डॉट। माई बटन डॉट डॉट क्या करता है, इसके अंदर मैंने बताया कि अच्छा ऑन टैप किस टेक्सचर लगा के, क्योंकि मैंने साइन इन के अंदर डालना था ना कि बटन टैप होते वो हो जाए, तो वही मैंने यहाँ पे किया और उसको सीधा मैंने कॉल किया मेन फंक्शन में, उसको चाइल्ड मैंने साइन इन दे दिया, बैकग्राउंड कलर दिया, बेसिक पिंक सिंपल डेकोरेशन दिया। तो लॉग इन पेज के अंदर वापस आते हुए वहां पे मैंने चाइल्ड स्क्रोल व्यू लगा के ऊपर
साइज बॉक्स से पैडिंग दे दी है ताकि 50 ऊपर खाली रहे, उसके नीचे आइकन दे दिया। अभी लॉक की जगह तुम कुछ भी दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पे प्रोफाइल कर दूं और यूजर कर दूं, ओके आई नीड टू फाइंड द करेक्ट नेम फॉर इट, न्यू, हाँ तो वेरीफाइड यूजर का सपोज मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये करेगा हॉट रीलोड करता हूँ। और इसके नीचे मैंने फिर पैडिंग देने के लिए यहाँ पे कॉन्स्टेंट साइज बॉक्स डाला है। अब तुम चाहो तो साइज बॉक्स में दोनों साइड डाल सकते हो, तो वो उस अकॉर्डिंग चल जाता है। अगर तुम यहाँ पे बेड देके दोगे ना, तो यहाँ से पैडिंग हो जाएगी इस साइड से। और मैंने कहा कि वेलकम टेक्स्ट यू हैव बीन मिस्ड, और उसको मैंने टेक्स्ट स्टाइलिंग दे दी, एंड उसके नीचे मैंने साइज बॉक्स बना दिया एक और ताकि ये स्पेसिंग आ जाए। एंड द यूजर नेम कम्स, देन द पासवर्ड कम्स इन, एंड उसको पैडिंग देके मैंने नीचे फॉरगॉट पासवर्ड का एक छोटा सा बना दिया साइड पे, ताकि क्योंकि जनरली साइड पे होता है कॉर्नर में, तो उसको साइन इन को दे दिया। और साइन इन में मैंने कहा माई बटन ऑन टैप साइन इन, ये मैंने रिक्वायर्ड फील्ड रिक्वायर करी थी वो पास कर दी। इसके नीचे मैंने कहा अच्छा अगर तुम इससे नहीं करना चाहते तो तुम लॉग इन कर सकते हो गूगल या एप्पल के साथ, उसमें मैंने गूगल टाइल्स का यूज किया। तो ये बेसिक ओवरव्यू था कि जैसे कैसे वर्क करता है लॉग इन का यू है। अब मैंने जैसा कि तुम्हें बताया था शुरू में कि हमने कैसे फायरबेस को सेटअप करना है, तो इस केस के लिए भी मैंने एक सारा गूगल सर्विसेज वाली फाइल कर रही है। और एक चीज जो तुम कभी नहीं भूलना, जो मैं अपेरेंटली फिर भूल जाता हूँ, वो कई बार होता है ये 21 वर्जन को हमेशा करना, क्योंकि ये किसी भी प्रोसेस में लिखा नहीं होता बट इसका एरर आता है एंड फिर तुम बैठते रह जाओगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से हम वो आएंगे इसको फ्यूचर कर देंगे, फ्यूचर के साथ इसको एसिंक कर देंगे, और उसके अंदर हम बोलेंगे फ्लटर विजेट इंश्योर करके कि मतलब बाइंड रहे विजेट बाइंडिंग को, ये वाली ऑप्शन विजेट्स फ्लटर बाइंडिंग, विजेट्स फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशियलाइज्ड, और अवेट कर देंगे फ्लटर फायरबेस। तो फायरबेस को मैं जैसे ही डालूंगा तो इसके अंदर आ जाएगा फायरबेस। अभी इसके अंदर क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं डाली है। तो डिपेंडेंसी डालने के लिए तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जाओगे तुम कमांड पैलेट में, और यहाँ पे तुम पब स्पेक फाइल में जाओगे और डालोगे क्लाउड अंडरस्कोर फायरबेस या फायरबेस अंडरस्कोर कोर। तुम किसी भी पैकेज को इम्पोर्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पे फायरबेस अंडरस्कोर कोर कर रहा हूँ और वो इम्पोर्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगर एक मिनट तो यहाँ पब स्पेक में जाऊंगा फायरबेस अंडरस्कोर कोर और एंटर करूंगा। एंटर करते ही ये, और ये देखो यहाँ पे सॉर्ट हो गया और फायरबेस चल गया। अब इसके अंदर फायरबेस के अंदर मैं जाऊंगा और इसको ऑटोमेटिकली पैकेज को इंपोर्ट करने दूंगा। फायरबेस को इनिशियलाइज करने के लिए फायरबॉस इनिशियलाइज ऐप ये करूंगा और ये बोलेगा अनआइडेंटिफाइड। तो मेरा अब अगर इसको करना है ये ऑटोमेटिकली, इसने इंपोर्ट नहीं किया, तो मैं यहाँ पे सिंपली बोलूंगा क्लिक करके इसको कि भाई यहाँ पे एक लाइब्रेरी है इसको इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट कर लिया, अब तुम इतना करोगे तो इस वाले लॉगिन के अंदर भी तुम्हें कोई एरर नहीं आएगा और ये अच्छे से चल जाएगा तुम्हारा प्रोजेक्ट। सो ये अब देख रहे हो तुम प्रोजेक्ट हॉट रीलोड में चला गया और ये अच्छे से चल जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम ना दो तीन चीजें करेंगे। सबसे पहली चीज है हम अपने साइन इन बटन को हैंडल करेंगे। तो जब हमने साइन इन बटन बनाया था तो हमने उसको कहा था, कहाँ गया हमारा साइन इन बटन, ये रहा। तो अभी हमें काम करना है अपने वॉइड साइन इन यूजर के साथ, और यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमारा बेसिक मकसद है कि हम ऑथेंटिकेट कर ले कि यूजर लॉग इन करें। उसके लिए एक और डिपेंडेंसी है जो तुम ऐड कर सकते हो, इसका नाम है फायरबेस ऑथ। तो इसको इंपोर्ट करो और एंटर करो। जैसे तुम एंटर करोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट करेगा पब स्पेक असिस्ट एंड इसको सॉर्ट कर देगा। अब क्योंकि जब हम फायरबेस के साथ काम कर रहे हैं तो जनरली यहाँ पे एसिंक आता है, वो हम यहाँ पे भी डाल देंगे और यहाँ पे हम अवेट करवा देंगे फायरबेस ऑथ को। एंड ये अब पब गेट फाइल रन हो रही है तो इसको हम वेट कर लेते हैं जरा सा। तब तक मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन और बता दूं कि अभी ना यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज करने जा रहे हैं हम। बेसिकली हम चाहते हैं कि यहाँ तो अगर लॉग इन हो जाए यूजर, मतलब ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है बेसिक, कि अगर यूजर का डाटा प्रेजेंट है उसके अंदर तो वो हो जाए लॉग इन।
अगर उसका डाटा नहीं प्रेजेंट है तो वो लॉगिन वाले पेज पे डायरेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने फायरबेस और जो अभी हमने इंस्टॉल की थी उसको यहाँ पे इम्पोर्ट करा, और उसको यहाँ पे इम्पोर्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने मेन एक पेज बनाया, मेन पेज डॉट डार्ट नाम से, जो मेरा स्टेटफुल विजेट है। और इसके अंदर मैंने कहा अच्छा एक स्कैफोल्ड रिटर्न करवा दूँ। अभी थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज तुम्हें दिख रही होगी, स्ट्रीम बिल्डर। बेसिकली स्ट्रीम बिल्डर क्या करता है, इट हेल्प्स टू डिटेक्ट द स्नैपशॉट डाटा कि इसके अंदर कौन सा डाटा प्रेजेंट है, लाइक इसके अंदर हमने क्या पास किया यूजर। ये सारा कहाँ से आ रहा है, फायरबेस ऑथेंटिकेशन वाले से आ रहा है कि हमारा जो यूजर है उसकी एक स्ट्रीम बना दो ताकि तुम डिटेक्ट करते रहो कि उसके अंदर डाटा प्रेजेंट नहीं है। तो अगर यूजर के अंदर उसके अंदर डाटा प्रेजेंट है स्नैपशॉट के अंदर तो रिटर्न करवा दो होम पेज, अगर नहीं है तो लॉग इन पेज। तो यहाँ पे ना एक होम पेज भी हम बना ही लेते हैं, अभी इतना कर लिया है। होम पेज के अंदर हम होम डॉट डार्ट नाम से कर लेते हैं, इम्पोर्ट कर लेते हैं अपना मटीरियल डॉट डार्ट और सेमी कॉलन लगा दिया, और यहाँ पे एक स्टेटलेस विजेट बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं हम होम पेज। उसके अंदर हमें कुछ नहीं करना, उसके अंदर हम बिल्कुल एक ना बेसिक अभी लिख लेते हैं, बाद में मैं तुम्हें इसमें भी दिखाऊंगा कि तुम्हें कैसे पता चला कि यूजर ने लॉगिन किया है नहीं। तो अभी इसके लिए टेक्स्ट डाल देते हैं लॉग्ड इन, राइट। तो ये हमारा बन गया बेसिक। अब इसके अंदर आते हैं, हम इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो जस्ट एन ओवरव्यू अगेन, हम क्या चाहते हैं कि जब हम फायरबेस यूज करें तो हमारे ये पता चल जाए कि ऑथर यूजर ने अगर लॉग इन किया तो हम लॉग इन पेज पे चले जाएं, लॉग होम पेज पे चले जाएं, अगर लॉग इन नहीं किया तो ये लॉग इन पेज शो हो। तो इसके अंदर हमने कहा कि जो हमारा इनिशियल राउट है इसीलिए हम यहाँ पे मेन में ये भी आके चेंज करेंगे। तो अभी हम लॉग इन पेज भेज रहे हैं, अब हम इसको ना मेन पेज पे भेजेंगे। तो मेन पेज के अंदर आएंगे, इसको पहले बोलेंगे अच्छा मेन पेज को इम्पोर्ट कर ले। अब ये जाएगा ना मेन पेज के अंदर, तो यहाँ पे जाके वो क्या करेगा, वो देखेगा कि अच्छा एक स्ट्रीम बनाओ और चेक करो कि स्नैपशॉट के अंदर डाटा नहीं है, मतलब बेसिकली जो फायरबेस से आ रहा है ना चेंजेस आ रहे हैं जो फायरबेस के अंदर, उसके अंदर कोई डाटा प्रेजेंट है, अगर डाटा प्रेजेंट है तो लॉगिन की जरूरत नहीं है, होम पेज पे चले जाओ, वरना लॉगिन पेज पे चले जाओ। तो आई होप इतना क्लैरिफिकेशन क्लियर होगी। अगर कोई भी एरर है देन डू कमेंट डाउन एंड कमिंग बैक। तो अब हम अपने लॉगिन पेज के अंदर है, इसके अंदर हमने आके करना है अवेट फायरबेस ऑथ, यहाँ पे तुम देख रहे हो इसने ऑटो इम्पोर्ट कर लिया, डॉट इंस्टेंस डॉट। अब यहाँ पे तुम बहुत सारी ऑप्शन में देख सकते हो, कंफर्म पासवर्ड रिसेट, क्रिएट यूजर विद ईमेल पासवर्ड एंड ये सारा, इन साइन इन विद ईमेल पासवर्ड, ऐसा ऐसा। हमें क्या करना है, साइन इन करना है ना हमें, तो हम करेंगे साइन इन विद ईमेल पासवर्ड। अब यहाँ पे दो डिटेल्स मांग रहा है, पहले तो मैं एक सेमी कॉलन लगा दूँ ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे। और ईमेल के अंदर हम क्या पास करेंगे, हमने यहाँ पे ईमेल कंट्रोलर बनाया क्योंकि वही हमारा डाटा है, तो हम ईमेल कंट्रोलर पास कर देंगे और अपने पासवर्ड के अंदर हम पासवर्ड कंट्रोलर पास कर देंगे। अभी यहाँ पे तुम देख रहे हो कि यहाँ पे कह रहा कि एरर आ रहा है कि अच्छा स्ट्रिंग नहीं बना सकते तुम इसको, तो उसका सोल्यूशन क्या है, डॉट टेक्स्ट सेम फॉर दिस वन, डॉट टेक्स्ट। ये करने के बाद अच्छा एक सेमी कॉलन भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शन के अंदर लिखा गया है। अब मैं इसको कॉमा लगाऊंगा तो ये देखो इसने कर दिया स्ट्रक्चर। अब इसको पता चल गया कि अच्छा जो ईमेल कंट्रोलर के अंदर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उसको यहाँ पे भेजना है यहाँ पे, और पासवर्ड को यहाँ पे भेजना है, उसके साथ तुम साइन इन कर सकते हो। अब साइन इन के लिए क्योंकि हमने कोई यूजर क्रिएट नहीं करा तो उसका सिंपल प्रोसेस कुछ नहीं है, तुम अपने फायरबेस कंसोल पे जाओ। मैं अपना ये खोल लेता हूँ क्रोम, और यहाँ पे मैं फायरबेस कंसोल में आता हूँ और वापस उसी प्रोजेक्ट में चलते हैं जहाँ पे हम काम कर रहे थे फायरबेस कंसोल के अंदर। तो ये मेरा फायरबेस कंसोल खुल रहा है, ये मेरा यहाँ पे मैं फायरबेस कंसोल के अंदर आया और यहाँ पे मैंने उसको बोला कि अच्छा गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड के अंदर मैं आया, फिर इसके बाद यहाँ पे मुझे अपना प्रोजेक्ट दिख जाएगा पेरेंट गिटहब। तो मैं अपना प्रोजेक्ट खोलूंगा, इसमें ये वाला लॉगिन फायरबेस वाला, तो ये मेरा अभी प्रोजेक्ट खोलेगा। अब मैं तुम्हें ना एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, तुम कोई भी चीज को सीखना चाहते हो ना तो यहाँ पे गो टू डॉक्स में जाके बिल्कुल सिंपल सिंपल प्रोसेस में वहां पे लिखा होता है कि कैसे हम क्या कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, बिल्ड में आना है, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में जाएंगे हम। ऑथेंटिकेशन में आया, देखो यहाँ पे साइन इन मेथड आया ना, तो तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पे देखो ऑप्शन ऑलरेडी दे रहा है कि अच्छा ऑथेंटिकेशन के साथ स्टार्ट कैसे करना है। तो हम करेंगे गेट स्टार्टेड,
तो तुम सारी डॉक्यूमेंटेशन बैठ के पढ़ोगे तो तुम्हें सारी चीजें खुद क्लैरिफाई हो जाएंगी। होता यह है कि छोटे मोटे एरर्स आते हैं जिसको हम मिलकर रिजोल्व कर लेते हैं, तो वो तुम खुद सीख के करोगे तो वेल एंड गुड, वरना ये ट्यूटोरियल था ये। अब इसमें मैं ईमेल को टिक कर लेता हूँ और इनेबल कर लेता हूँ यूजिंग ईमेल। ये कर दिया, ये पासवर्ड साइन इन से सीधा ही हो जाए। तो ईमेल पासवर्ड इनेबल्ड है। अब तुम अगर इसमें ऐड न्यू प्रोवाइडर देखोगे ना, तुम्हें और बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, और हर किसी का ना अलग अलग तरीका होता है सेटअप करने का। तो तुम इंडिपेंडेंट हो, अपने अकॉर्डिंग उसको देख सकते हो कि कैसे कैसे तुम साइन इन करना चाहते हो। अब मैं यहाँ कर करूंगा एड न्यू यूजर, जिसकी ईमेल रख देते हैं test@gmail.com। ये मैंने कोई ऐसे नहीं बनाई, फेक ईमेल है, इसके अंदर मैंने बस कहा कि अच्छा यूजर है। अब मैंने ये कर दिया। अब तुम देखोगे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, तो हमने वो क्रिएट करी थी ना सूडो ईमेल, जिसका नाम था test@gmail। तो हम इसके अंदर वो डालेंगे और पासवर्ड था हमारा test@12, पासवर्ड था हमारा test123। तो जैसे हम ये डालेंगे ना, तो यहाँ पे ये कुछ अपना दिखाएगा डीबग कंसोल में, और होगा क्या बेसिकली, नाउ सी जस्ट लुक एट इट, इसने वैल्यू ली और नोटिफाइंग द स्टेट लिसनर कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे यूजर का लॉगिन हुआ, और ये लॉगिन पेज पे ले गया। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज देखो, मैंने कहा था ना सेफ एरिया के बारे में शुरू में, कि सेफ एरिया तब डालते हैं हम ताकि वो कोड था वो ना स्टेबल रहे। तो मैंने यहाँ पे बॉडी में टेक्स्ट दिया था और स्कैफोल्ड में, और ये कहाँ चढ़ गया ऊपर। तो अगर मैं इसको यहाँ पे इसको सेफ एरिया के साथ रैप कर दूँ, इसको कैसे करना है, रैप विद विजेट, इसका नाम है सेफ एरिया। सेफ एरिया कर दूँ, तुम देखना, देखो ये सेफ एरिया करते ही यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे इसका मतलब है कि ये हमारा लॉगिन हो चुका है बहुत सिंपल वे में, राइट। अब अगर तुम इस एप्लीकेशन को बंद करके दोबारा रीस्टार्ट करोगे, और ये खुद मैं चाहता हूँ तुम ट्राई करके देखो, तो ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा इस लॉगिन पेज के साथ, ना कि उस लॉगिन वाला जो पेज था, लॉग इन हो जाएगा ना कि लॉग इन रहेगा। तो अब हमारे यहाँ पे लॉग इन आ चुका है। अब इसको क्या करते हैं हम, बेसिकली सपोज हम इसको लॉग आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले ना मैं सेफ एरिया हटा देता हूँ, क्योंकि जब ऐप बार आता है ना तो वो ऑटोमेटिकली सेफ एरिया को हैंडल कर लेता है, इसीलिए मैंने तुम्हें सिखाया देगा, बिकॉज ये तभी होता है कि अगर हम ऐप बार यूज ना करें। तो इसके अंदर क्या करूंगा, मैं एक्शंस के अंदर जाऊंगा, और एक्शंस के अंदर मैं जाके ना इसे आइकन बटन दे दूंगा। एक आइकन बटन क्या होता है, जिससे एक ऑन प्रेस लेता है और एक आइकन लेता है। तो ऑन प्रेस में मैं पास कर देता हूँ आइकन्स डॉट लॉग आउट समथिंग लाइक दैट। हाँ ऑलरेडी है इसमें लॉग आउट नाम का, तो आइकन्स में आइकन के अंदर ऐप होगा ये आइकन, यहाँ पे आया, और ये बोलेगा ऑन टेस्ट। ऑन टेस्ट पे ना मैं एक फंक्शन बना देता हूँ साइन आउट का फंक्शन बना देता हूँ। उसके लिए क्या करना है मुझे, सिंपली यहाँ पे जाना है, यहाँ पे एक void साइन आउट एसिंक, एसिंक चाहे इसके लिए करना चाहते हो कर सकते हो, बट बेसिकली आई डोंट थिंक एसिंक इसके लिए रिक्वायर्ड है। अच्छा ये एरर ऑटोमेटिकली ठीक हो गया, क्योंकि हम अवेट नहीं करें तो एसिंक की जरूरत नहीं पड़ती है। सो यहाँ पे हम फायरबेस ऑथ करेंगे डॉट इंस्टेंट, और साइन आउट की ऑप्शन तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगी। बस इतना सा करना है यहाँ तुम्हें, ये ऐसे जैसे तुम ये करोगे और इसको सेव करोगे, तुम यहाँ पे चेंजेस देखोगे, लो साइन आउट हो गया। अब तुम इसको दबाओगे तो ये देखो ये वाला आ गया, उसने नोटिफाई कर दिया कि अच्छा साउंड आउट इवेंट हुआ है। अब इसको ना अब थोड़ा और अच्छा हम बना सकते हैं कैसे, उसके लिए जस्ट ऐड है कि ताकि जितना टाइम वो लगता है ना लॉगिन करने के लिए, तो उसके लिए हम एक इंटरेस्टिंग चीज कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा लॉगिन फंक्शन है, उसके जैसे ही हमारा ये वाला लॉगिन फंक्शन कॉल्ड होगा, उसके अंदर हम एक वो बना देते हैं। बट बिफोर की ताकि हम इसके अंदर बनाए, चलो एक और इंटरेस्टिंग चीज करके देख लेते हैं। हाँ मैं तुम्हें बार बार बोलता रहता हूँ कि इंटरेस्टिंग चीज, बिकॉज ये सब इंटरेस्टिंग होता है। तो हम फाइनल यूजर नाम से एक बना देते हैं, एक कैटेगरी बना देते हैं, एक डायनामिक वेरिएबल दे देते हैं, और उसको फायरबेस डॉट इंस्टेंस, और अपने करना है इंस्टेंस डॉट फायरबेस ऑथ डॉट करंट यूजर, ये दे दिया। सॉरी, अब जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहे हैं कि करंट यूजर को ले लेगा। अब यहाँ पे ना एक कांस्टेंट वाला है, तो कांस्टेंट कीवर्ड को मैं हटा दूंगा तो ये चल जाएगा। अब यहाँ पे ना एक और अच्छी प्रैक्टिस है, तो यहाँ पे ना इसे ये दो, ये इसका ये मतलब होता है कि कभी भी वैल्यू नल नहीं हो सकती। अब ना मैं दिखाता हूँ तुम्हें, अब मैं यहाँ पे जैसे यूजर लिखूंगा ना, ये कंकैटिनेशन का वो होता है कीवर्ड,
तुम अगर कंटिनेट करना चाहते हो ना इसको, तो तुम ऐसे डाल सकते हो फाइनल यूजर को, और तुम्हें करना कुछ नहीं है। यहाँ पे तुम जैसे लिखोगे यूजर डॉट इमेज, तो तुम्हें दिख जाएगा ये ऐसे हो गया। अब मैं इसके अंदर टेस्ट ईमेल डाल के दिखाता हूँ तुम्हें, टेस्ट @gmail.com, यहाँ पे test@1233 एंटर करूंगा मैं, साइन पे क्लिक करूंगा, और देखना अभी ना यहाँ पे एरर आएगा। वो एरर क्या आएगा, क्योंकि मैंने ईमेल ना गलत दे दी थोड़ी सी, तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ ताकि कोई एरर ना आए। और ये सब ना, इसके लिए तुम्हें मैं अच्छी प्रैक्टिस बताऊं कि यहाँ पे ना एरर आ गया, तो अब होगा क्या, 90% चांस है कि ये ना एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे लॉगिन में जाते हैं ना, सारे को ट्राई वाले ब्लॉक में ऐड कर देते हैं। ये देखो यहाँ पे एरर आ गया, और वो इसलिए आया क्योंकि हमने इसमें ऐड नहीं किया था ट्राई एंड ब्लॉक वाला। तो इसको मैं जरा सा हॉट रीलोड मार देता हूँ ताकि ये दोबारा एक बार रीलोड हो जाए। और अब मैं इसके अंदर जब दूंगा ना, अब मैंने करेक्ट ईमेल डाली, तो वो तुम डाल सकते हो। ट्राई एंड ब्लॉक किसी भी लैंग्वेज में जाओगे तुम एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिक पढ़ते हो। एंड तुम्हें एक बहुत अच्छा तरीका सजेस्ट करूंगा मैं, क्या करना, जाना जाके उस वेबसाइट पे, वेबसाइट है ना जो फायरबेस की कंसोल की, वहां पे जाना डॉक्स में, वहां पे तुम्हें जो मैंने कोड लिखा ना एज इट इज सेम कोड तुम्हें ट्राई एंड कैच ब्लॉक के साथ मिल जाएगा, तो तुम उसको रेफरेंस लेके कर सकते हो। जो भी तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन, तुम्हें गूगल का साइन इन देखना है तुम्हें वहां पे मिल जाएगा, ईमेल का देखना है वो वहां पे मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे हो चुका है, तो मैं सिर्फ साइन इन वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, लॉग्ड इन एज test@gmail.com, जैसे मैं लॉग आउट प्रेस करूंगा ये लॉग आउट हो जाएगा। अब मैंने जो जैसे कि बात कर रहा था कि एज अ गुड यूएक्स प्रैक्टिस, तो एक और चीज हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो आई एम श्योर आप सब लोग डायलॉग बॉक्स के बारे में पढ़े हुए हैं, राइट? तो वही हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि ये ना अच्छा दिखे। डायलॉग बॉक्स का मतलब तुम्हें समझ नहीं आएगा कि कैसे यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा, बट पहले से कन्वर्ट कर लेता हूँ स्ट्रेट टू डिजिट में, क्योंकि द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर अ डायलॉग बॉक्स इज कि अगर हम उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं हमें डायलॉग बॉक्स बनाना पड़ता है। उसमें मैं क्या करूंगा, शो डायलॉग, और ये देखो एक ऑप्शन ले रहा है बिल्ड, और दूसरे ले रहा है बिल्डर। तो बिल्डर में हम कंटेक्स्ट पास कर देते हैं इसको, ऐसे करूंगा, देखना कंटेक्स्ट में है ना, ऐसे जब जनरली आया ना तो ये कर देना, तो ये ऑटोमेटिकली उठा लेता है कंटेक्स्ट वाला। अब कंटेक्स्ट में क्या करेंगे हम, तो इसके अंदर मैं रिटर्न करवाऊंगा एक कॉन्स्टेंट कीवर्ड के साथ, जिसको जिसका चाइल्ड होगा बेसिकली लाइक द, इट इज गोइंग टू बी द सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। अब जैसा कि ये नेम सजेस्ट करता है, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर का मतलब होगा कि वो प्रोग्रेस मेजर करता रहेगा हमारी इन द गिवन टाइम, राइट? तो इसको ना उसके अंदर आएगा ये, हाँ ये इसके अंदर आएगा। अब इसके अंदर एक आएगा, हाँ तो ये आ गया। अब ये सर्कुलर ना प्रोग्रेस इंडिकेटर को भी मैं थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए आई एम गोना रैप इट विद द सेंटर विजेट, राइट? सेंटर विजेट से क्या होगा, बेसिकली ये बिल्कुल यहाँ पे दिखेगा सर्कुलर बॉक्स, और इसको ये क्योंकि यहाँ पे ना अभी यहाँ पे है तो इसको पॉप भी करवाना पड़ेगा, तो वरना ये चलता रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके बोलूंगा नेविगेटर डॉट पॉप कंटेक्स्ट, और सेमी कॉलन लगाना ना भूले जब भी फंक्शन में डिल करते हैं। तो अब देखना, अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी, तुम देखना ये किस सर्कुलर इंडिकेटर की बात मैं कर रहा था, और ये एक बिल्कुल एक वर्ड में हो जाता है। तुम जैसे साइन इन दबाओगे ये देखो ये आ गया, और ये साइन इन हो गया, और ये ऐसे एग्जिट हो गया। देखा ये बिल्कुल बेसिक बन चुका है यूआई फायरबेस के साथ, तुम कैसे डाटा को फेच कर सकते हो, कैसे रीलोड कर सकते हो। और तुम अगर फायरबेस पे जाके देखोगे ना, तो तुम्हें वहां पे शो होता रहेगा कितनी बार यूजर ने लॉग इन किया आज क्या। और ये सब अगर गूगल एनालिटिक्स को भी टर्न ऑन कर लेते हो तुम, तो एप्लीकेशन के जो तुम्हारे एक्चुअल फंडे हैं, तुम उस सबको स्टडी करके अपना एक वर्किंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। एंड गो टू द फायरबेस डॉक्स एंड उसमें जाके स्टडी करो इन डेप्थ की क्या क्या, कैसे तुम उसको रीड कर सकते हो डाटा को और बाकी सारे ऑपरेशन। सो ये फायरबेस के बारे में बेसिक आइडिया था। अब मैं इसे बंद करके तुम्हें जस्ट अ बिट वेरी बेसिक ब्रीफ देने वाला हूँ अबाउट द इंस्टाग्राम क्लोन एंड द हीप कैलेंडर एज वेल, राइट? तो पहले सबसे पहले इसे बंद कर देते हैं ताकि सिस्टम के ऊपर थोड़ा और लोड कम हो, इसे भी बंद कर देते हैं। एंड मैं अभी अपनी कैनवा वाली को दोबारा खोल लेता हूँ, क्योंकि जब भी हम यूज करते हैं ना एमुलेटर, तो सिस्टम के ऊपर लोड बढ़ जाता है। तो अब मैं यहाँ ना वापस आऊंगा, और यहाँ पे अपने जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट क्रिएटेड है फ्लटर के, फ्लटर कैन वाले, वहाँ पे आके ना एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। तो उस नए प्रोजेक्ट को,
सो मैंने ओपन विद कोड किया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। एंड अब हमारा काम ना क्रोम वाले पे ही होगा, चलो, क्योंकि ये एमुलेटर ना पर्टिकुलर इसमें दिखाने की जरूरत पड़ी थी, इसलिए इस बारे पे करना था। एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि ये लेक्चर को ना शायद कॉल आउट करना पड़ गया। जैसे कि तुम देख सकते हो अभी भी ना मुझे काफी सिस्टम का वो कम करना पड़ा लोड, ताकि ये ना टाइमली चल सके। चल जाएगा ये फिर भी, बट होता ये है कि लोड बढ़ा नहीं रहता सिस्टम के ऊपर। तो पहले तो इंस्टाग्राम यूआई क्लोन की बात बात में करते हैं। पहले ये तुम्हें बता दूं, तुम्हारी फाइनल असाइनमेंट बोलने वाली है हीट मैप कैलेंडर। इसका कोड मैं गिटहब पे दे दूंगा तुम्हें। इस असाइनमेंट के बारे में थोड़ी देर और बाद में बात करते हैं। लेट्स कम बैक टू दिस। मैंने जस्ट बोल दिया था कि तुम्हारी वो फाइनल असाइनमेंट बनने वाली है। टॉकिंग अबाउट द इंस्टाग्राम यूआई, तो इसमें मैं तुम्हें बस दो कंपोनेंट्स बनाऊंगा। ऑफ कोर्स हम इसका पूरा यूआई क्लोन नहीं करेंगे, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितनी क्रिएटिविटी लगा के इसको पूरे तो क्लोन कर सकते हो। एंड आई एम श्योर अभी तक जितना पढ़ा चुके हैं उसके बेसिस पे तुम कर सकते हो इसको क्लोन। एंड इन केस कोई दिक्कत आती है तो हम फिर बैठ के कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। सो कमिंग बैक, मैं इसको बोलता कम हूँ और यहाँ पे मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ कोर्स, जिसका नाम रख देते हैं इंस्टाग्राम क्लोन। डोंट एक्सपेक्ट कि मैं सारा क्लोन करने बैठूंगा यहाँ पे। बेसिकली मैं तुम्हें बस ओवरव्यू देना चाहता हूँ एक और विजेट्स का यूज की, मतलब मुझे पता कि तुम क्लोन तो सब बना लोगे, बट उसको एक इजी वे में, अच्छे वे में बनाने के लिए ना मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा प्लगइन क्या बोलूंगा इसको, मतलब यूआई प्रैक्टिस दूंगा जिसके साथ तुम्हारा ये अच्छे से बन जाए। तो अभी ये प्रोजेक्ट को क्रिएट होने देता हूँ मैं। तो ये इंस्टाग्राम का अपना जो अपना प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर रहे थे वो खुल चुका है। इसको मैं क्रोम सिलेक्ट करूंगा, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर दूंगा यहाँ पे, और इसको मैं रन कर लूंगा डीबग मोड में। तो मैं ना तुम्हें बस एक चीज बताऊंगा और उससे तुम्हें ना पूरा ओवरव्यू आ जाएगा कि तुम इस प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल कर सकते हो। एंड बाय द टाइम इट इज बिल्ड होते हम थोड़ा सा है ना इसको वो कर देते हैं जो हम हमेशा करते हैं। तो हम ये फालतू का जितना रिक्वायरमेंट कोड है उसको हटाएंगे, यहाँ अपना माई ऐप का स्टेट लेस विजेट बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे माई ऐप, और ये एरर हट जाएगा। इसके अंदर हम बनाएंगे मटीरियल, मटीरियल ऐप, मटीरियल ऐप बनाया। मटीरियल ऐप के अंदर हमने होम दे दिया कि चलो जी हम अपने होम पेज के अंदर ही जाके सारा काम करेंगे। होम पेज इस केस में क्या होगा, वो हमारा सिंपल होगा, हमारा जो इंस्टाग्राम है उसका मेन जो है। और मैं डीबग कंसोल को भी पॉज कर देता हूँ, तो मैंने इसको पॉज कर दिया। अब मैं यहाँ आऊंगा और अपना होम पेज बना लूंगा। तो बाय द टाइम ये प्रोजेक्ट भी लोड हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। ये विल सेव टाइम अनफिनिश्ड से क्विकली क्विकली वेरी क्विकली। मटीरियल डॉट डॉट को इम्पोर्ट करवाया, यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे जाके मैंने एक स्टेट फुली विजेट बना लेते। चलो यार बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो चेंज कर लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। स्टेट फुल विजेट बनाया, उसके अंदर मैंने एक स्कैफोल्ड बनाया, स्कैफोल्ड के अंदर मैंने एप बार नहीं होता इंस्टाग्राम में ऊपर, जैसे कि सबको पता है। तो इसके इसमें एक बॉडी लगा लेते हैं, बॉडी के अंदर हम टेक्स्ट डाल देते हैं होम पेज, राइट। यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे, ये इंपोर्ट कर लिया। इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ साइज, क्योंकि अभी ये उस अकॉर्डिंग हो जाने वाला है, राइट। ये सेव किया, अब यहाँ पे हॉट रीलोड होगा और ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब मुझे ये बात बताना अभी कमेंट्स में कि ये देखो अभी क्रोम में ना यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि क्रोम के अंदर तो कोई नोटिफिकेशन वाली ऑप्शन आती नहीं है। और एप्लीकेशन क्रॉस प्लेटफॉर्म का यही फायदा है, प्लेटर को नहीं पता कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आप चलाने वाले हो, हर किसी के लिए सेम कोड लिख के भेजेगा। तो यहाँ पे हमें जरूरत नहीं पड़ती सेव एरिया की, बट जब तुम मोबाइल पे काम कर रहे हो अगर तुम ऐप बार नहीं बनाती तो यूज करा करो उसे। एंड अब मुझे बताओ बॉटम ऐप बार के बारे में तो सब जानते हैं, तो हम उसे यूज करेंगे। अभी मैं जी ऐप वाला नहीं यूज करता हूँ, बिकॉज इसके अंदर ऑलरेडी भी बॉटम नेविगेशन बार पड़ा होता है। द ओनली थिंग अबाउट इट इज उसमें ना वो नहीं होती ऑप्शन, जैसे कि जो एनिमेशन हम देख के आए थे ना जी ऐप बार में, वो नहीं होते इसमें। तो मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें बेसिक ऑप्शन होती है बॉटम नेविगेशन का टाइप क्या है, तो इसको फिक्स रखते हैं। बेसिकली मींस कि हम ये नहीं चाहते कि इसकी वैल्यू बार बार ऐसे कभी इधर उधर हो। और इसके बाद एक आइटम्स की लिस्ट आएगी इसके अंदर कि कौन कौन से हम आइटम्स रखना चाहते हैं। तो जैसे कि उसमें होता था बॉटम नेव बार वो वाले, तो उसमें बॉटम नेव बार आइटम बनेगी, आइटम के अंदर आइकन जाता है, तो आइकन डॉट होम दे दिया हमने। और इसके अलावा इसको लेबल दे सकते हैं कि ये हमारा होम होगा। एंड ऐसे मैं बना लेता हूँ, ये देखो यहाँ पे एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि एक आइकन है यहाँ पे
और यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स देने होते हैं, अगर तुम ऐसे ही लोड करोगे एरर कोई नहीं आएगा, बट स्क्रीन पे आ जाएगा कि अच्छा ये क्या कर रहे हो तुम, चाहे दिखाई देता तुम्हें ये करोगे, तुम जैसे यहाँ पे ना वो लाल वाला जो गंदे वाले एरर आते हैं वो तुम्हें यहाँ पे आ जाएंगे, ये देखो आ गया ना। तो मैं क्या करूँगा, एक कितने इंस्टाग्राम पे चार पांच होते हैं ना, चलो हम चार मान के चलते हैं, अगर बिजनेस वाला कहीं होता है ना उसमें शॉप भी आता है, तो वो वाला हम अभी इग्नोर कर देते हैं। दूसरा हमारे सर्च होता है, इसको भी सर्च असाइन कर देते हैं। तीसरा हमारा सपोज रील्स के लिए वीडियो कॉल डाल देते हैं, चलो रील्स का हो गया ये। और चौथा हमारा हो गया प्रोफाइल वाला, उसके लिए पर्सन आएगा, ये डाल दिया। लेबल चेंज कर देता हूँ सबके, रील्स यहाँ पे। अभी लेबल क्या होता है, लेबल आता है जो नीचे टेक्स्ट शो होगा, तो इसलिए हम इसको ना थोड़ा भी रिफाइन कर ही देते हैं बिना आलस दिखाए। यहाँ पे आर कैपिटल कर देते हैं, एस कैपिटल कर देते हैं। मैं कंटेंट राइटर भी हूँ ना, तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि जब मैं स्मॉल में लिखती हूँ ना, और तुम सेव करोगे ये लिखो, फिर हमारा बॉटम नेविगेशन बार बन गया। अब इसके लिए ना हम थोड़ा प्राइमरी में जाते हैं और इसको ना वो दे देते हैं मटेरियल थीम, डाटा प्राइमरी स्वाच कलर ब्लैक, चलो अपना थोड़ा ना पर्पल बनाते हैं, इंस्टाग्राम डीप पर्पल। हाँ ये अपना डीप पर्पल बन गया इंस्टाग्राम। तो ये अपने इंस्टाग्राम का बेसिक बॉटम मैप पर बन गया। अब ना एक और थोड़ा मैं चीज करता हूँ, ताकि ना थोड़ा स्ट्रक्चर लगे, इस वाले को ना सेंटर में कर देता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बस एक चीज बताऊंगा, उसके बाद जो उसका वो बेसिक वो है वो तुम खुद से बना लोगे, तुम्हें मुझे पता है पूरा भरोसा कि तुम सब हैंडल कर लोगे उस चीज को, सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। वो एक चीज क्या है, अब तुम चाहते हो कि जब होम क्लिक हो ना तो यहाँ पे होम पेज हो, सर्च क्लिक हो तो सर्च वाला क्लिक हो, और जब ये हो तो वो वाला। तो हमने ना ये पिछले ट्यूटोरियल में मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे तुम होम सिलेक्टर करके चेंज कर सकते हो, तो उसको भी हम यहाँ पे एग्जैक्टली उसी को यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। जब उसका एक डे होता है करने का, वो हम थोड़ा इजी करने के लिए यहाँ पे उसकी दो अप्रोचेज हैं। यहाँ पे तुम हर एक का एक अलग पेज बना के उसको वहां पे ऐड करो, फॉर एग्जाम्पल कि एक ऐसा पेज, मतलब जैसे कि तुम होम के अंदर यहाँ पे डिफाइन करो कि तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पे टैब बार बन के वहाँ क्लिक होगा वो होगा, या फिर तुम एक सेपरेट पेज बना लो और उस सबको ना यहाँ पे मेन में कॉल करो। तो ये टेक्निकली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तुम्हें थोड़ा और थोड़ा आइडिया हो जाएगा। हम ना एक लिस्ट बनाते हैं, हम क्या करेंगे, हम करेंगे हाँ, बट लिस्ट बनाने से पहले एक चीज तो हम भूल ही गए यार, वो चीज क्या है, वो चीज ये है कि हम बताना चाहते हैं कि करंट इंडेक्स कौन सा है। तो करंट इंडेक्स के लिए ना एक नाम देते थे सिलेक्टेड इंडेक्स का, इसका नाम रखती है सिलेक्टेड इंडेक्स, और इसको नीचे हमने एक और बना दिया फंक्शन जिसका नाम रख देते हैं हम ऑन टैप। ऑन टैप क्या करो, ऑन टैप नेविगेशन ऑन टैप अंडरस्कोर चेंज वैल्यू कर दिया, ठीक है। अब दोनों में एरर आ रहा है क्योंकि इसे पता नहीं है कि दोनों चीजें है क्या। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे ऊपर थोड़ा सा जहाँ पे हमारा स्टेट वेरिएबल शुरू होता है, यहाँ पे आके सबसे पहले तो हम इंट सिलेक्टेड इंडेक्स को कर देते हैं 0, राइट। ये किया, एक का एरर हट गया। अब दूसरे के लिए हम एक वर्ड बनाते हैं चेंज वैल्यू नाम से फंक्शन, और उसमें इंडेक्स को पास करवा देते हैं और उसको बता देते हैं कि ऐसे अच्छा जब इंडेक्स टैप हो तो क्या करते हो, सेट स्टेट, सेट स्टेट में सिलेक्टेड इंडेक्स को कर दो इंडेक्स के इक्वल कर दिया। अब इंडेक्स के कैपिटल में इंडेक्स किस में आएगा। अब ये तुमने इतना कर दिया, यहाँ पे ये होगा क्या, जैसे तुम जिस वाले को सिलेक्ट कर रहे हो
तो वो वाला इंडेक्स सेलेक्ट हो गया। अब ये देख लो, तुम कलर से देख सकते हो, यहाँ पे जो को सेलेक्ट कर रहा हूँ वो वाले पे पर्पल कलर आ जा रहा है। ये कर दिया। अब जो दूसरी बात मैं कर रहा था, जिसकी मैंने इतनी हाइप क्रिएट करी, जिसके लिए ट्यूटोरियल बनाया लॉगिन वाले का, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा फाइनल। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, लाइक मुझे ना पहले मैंने भी बहुत किया कि ऐसे बड़े बड़े विजेट्स बना के वो करूँ। तुम विजेट्स के ना एक्चुअल में लिस्ट बना सकते हो, और उसमें क्या कर सकते हो, विजेट्स डाल सकते हो। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैंने सपोज इसको नाम दे दिया पेजेस का। अब मैंने जैसे पेजेस का नाम दे दिया, क्योंकि लिस्ट है तो इस फॉर्मेट में आएगी, और इसको सेमी कॉलम लगाना मत भूलना, ये लिस्ट में आएगा। अभी के लिए ये वाली चीज हम डाल रहे हैं इसके अंदर, सपोज 1 2 3 4, चार पेजेस है, तो चार इसके अंदर ये डाल दिया। तो अब इसके अंदर होता क्या है कि हम लिस्ट का ना जो वो वाला वो दिखाना चाहते हैं वो पर्टिकुलर, तो उसके जरिए हम इसे दिखा सकते हैं। ये हमारा होम हो गया, ये हमारा हो गया सपोज सर्च पेज, ये नीचे वाला हो गया हमारा रील्स वाला पेज, ये हो गया हमारा अकाउंट वाला। हो गया हमारा अकाउंट वाला पेज। तो अभी ये मैंने अकाउंट वगैरह बना लिए। अब इसका तुम कहोगे कि अभी फंक्शनलिटी कैसे इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि अभी भी यहाँ पे ये शो रहा है। तो अब हम यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज करेंगे। तो जनरली हम क्या करते थे, बॉडी के अंदर हम अपने उस विजेट का नाम देते थे, वो देते थे, बट हमने यहाँ पे ना एक सॉर्ट ऑफ राउट टाइप बना लिया। अब हमें यहाँ पे ना बॉडी में कुछ और पास करने की जरूरत नहीं है। ऑल वी कुड डू इज मेक हेयर पेजेस, एंड उसमें सिलेक्टेड इंडेक्स को हम पास करवा सकते हैं। तो जैसे हमने ये किया, अब देखना जब तुम सर्च को सिलेक्ट करते हो, सर्च सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट करते हो, ये सिलेक्ट हो गया। अब इससे हुआ क्या, हमने जो इंडिविजुअल पेजेस बनाए हैं हमें उसका राउट्स की टेंशन नहीं रही, वरना हमें मेन में जाके उसके हर इंडिविजुअल के राउट्स देने पड़ते थे। तो वो एक इंटरेस्टिंग वे हो गया ये। अब पहले क्या होता था, चलो हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। तो जब हमने बिल्कुल शुरू शुरू में डेवलपमेंट सीखी थी, तो हम क्या करते थे, हम नेविगेटर के साथ पॉप करते थे, पुश करते थे कॉन्टेक्स्ट का, और उसका पूरा पाथ देते थे। बट फिर इवेंचुअली मैंने ये सिखा दिया कि जब हम मेन के अंदर जाते हैं तो हम उसके अंदर राउट्स बना सकते हैं। तो राउट्स बना लिए, उसके साथ हम पाथ देके पूरा पूरा ऐसे बना के स्ट्रक्चर करते थे। बट इन केस ऑफ इंस्टाग्राम, क्योंकि सारा सिर्फ एक ही पेज पे चल रहा है, और जो नैव बार है वो हर बार सेम रह रहा है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सीधा एक लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट के अंदर हमने आइकन्स दिए, और आइकन्स के अंदर यहाँ पे हमने पास कर दिया जो सिलेक्टेड इंडेक्स होगा, उसको तुम सिलेक्ट कर लो यहाँ पे पेजेस के अंदर। सो दैट इज द थिंग वी डिड। अब इसको चाहे मैं और दिखाने के लिए दिखा सकता हूँ, जैसे तुम्हें मैं सिर्फ एक पेज बना के दिखा देता हूँ। तो सपोज इसको मान लेते हैं होम पेज डॉट डार्ट, तो इसके अंदर इम्पोर्ट मटीरियल मटीरियल डॉट डार्ट, और मैंने इसको बना दिया स्टेट लेस फीचर, जिसका मैं नाम रख देता हूँ होम इंस्टा, और इसके अंदर स्कैफोल्ड के अंदर तो छोटा सा सपोज इंस्टाग्राम के अंदर अगर हम यूआई के अंदर चाहे तो क्या कंपोनेंट्स होता है, तो उसमें ऊपर वो स्टोरीज वाला वो होता है ना, तो उसके लिए सपोज मैं लिस्ट टाइल वगैरह डाल सकता हूँ। तो उसके लिए मैं बॉडी में जाऊंगा, लिस्ट टाइल बनाऊंगा, लिस्ट टाइल के अंदर उसकी हेडिंग दे दूंगा आइकन आइकन डॉट, सपोज मैं बिल्कुल बेसिक ले रहा हूँ, अभी टेंशन लो, वी आर जस्ट ट्राइंग। की टाइटल में हम डाल सकते हैं लाइक स्टोरी, ऑफकोर्स ये उसके अंदर ऐप होगा टेक्स्ट के अंदर, तो इसमें मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ कि स्टोरीज, और इसका एक ट्रेल बनेगा, ट्रेलिंग के अंदर मैं दे देता हूँ आइकन्स आइकन्स डॉट क्विट। तो ये आई नो कि मतलब एग्जैक्टली उसका यूआई नहीं है, चलो ये क्वेश्चन आंसर मिल गया, हम इसको ले लेते हैं। तो ये एक्चुअल में इंस्टाग्राम का यूआई का पार्ट नहीं है, बट मैं तुम्हें दिखाना क्या चाहता हूँ, वो चीज़ के ऊपर फोकस करो। यूआई का जो कंपोनेंट है वो तो बनाना एसेंशियल है, क्योंकि अब तक हम इतना ट्यूटोरियल में कवर कर चुके हैं कि अगर हमें कार्ड्स वगैरह प्लेस करने हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। उसका मैं छोटा सा ओवरव्यू दे दूंगा तुम्हें ब्रीफ की कैसे वर्क करता है, बट बेसिकली अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बजाय कि हम अपने होम पे आएंगे, यहाँ पे हमने चाइल्ड में ये दे रखा है, इसकी जगह तुम्हें और कुछ नहीं करना, तुम्हें देना है यहाँ पे होम इंस्टा, ये दिया तुमने सेमी कॉलन लगाया कॉमा लगाया, ये यहाँ हो गया। अब देखना
ये देखो, ये ऊपर होम बन गया, ये इसके अंदर स्टोरीज वाला सेक्शन बन गया, और ये बन गया, जब तुम ये खोलोगे ये बन गया। अब इसके अंदर तुम सर्च के अंदर सर्च बार डाल के कार्ड्स 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 बना के, और उसका भी एक इंटरेस्टिंग है जो मैंने पहले बताया था कि कार्ड का एक कंपोनेंट बना लो अलग से और उसको बार बार यूज करते जाओ। रील्स वाले सेक्शन में क्या करना है तुम्हें, फिर कार्ड्स बनाने हैं उसमें भी कार्ड्स बनाने हैं। अकाउंट में जाओगे एक प्रोफाइल पिक्चर बनेगी, वो तुम्हें कोडिंग निंजा वाले में सिखाएगी कैसे बनाते हैं, उसके नीचे एक बार आएगा और उसके नीचे फिर कार्ड्स आएंगे। सो बेसिकली ऑल द आइडिया बिहाइंड दिस यूआई पार्ट वाज कि मैं तुम्हें ये फंक्शनैलिटी सिखा सकूं कि तुम कैसे विजेट्स की एक लिस्ट बना सकते हो। अब इसको तुम और इंटरेस्टिंग करने के लिए पता क्या कर सकते हो, इसको रैंडम फंक्शन के साथ कॉल करके किसी और एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। बेसिकली द आइडिया वॉज दिस बिहाइंड दिस। तो अब मैं अपने इसके अंदर दोबारा वापस आऊं, तो यहाँ तुम देख सकते हो हमने यूआई वाला पार्ट कवर कर लिया। अगर मैं इसका ब्रीफ देना चाहूँ तो यहाँ देख रहे हो ये आ गया तुम्हारा कैमरा, यहाँ पे उसके साथ आ गया सेंड वाला बटन, उसके ऊपर आ गया इंस्टाग्राम। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मैं दोबारा इस होम वाले के पास आऊँ और इसको थोड़ा और इसके नजदीक बनाऊँ, तो यहाँ पे आइकन्स डॉट कैमरा कर देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे इंस्टाग्राम और यहाँ पे सेंड वाला कोई आइकन। और इसके अराउंड में ना मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग वो बताता हूँ कि तुम आइकन्स की स्टडी के रहे। ये देखो, ये तो इंस्टाग्राम को देख हो गया, ये कैमरा बन गया। अब अगर इसके अंदर भी तुम अलग अलग कैमरा देखना चाहते हो कि जैसे फ्रंट वाला है, अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे जो आइकन यूज करना चाहते हो उसमें प्रेजेंट है नहीं, तो उसके लिए मैं तुम्हें एक बड़ा इंटरेस्टिंग जगह जो उसके बारे में सजेस्ट करता हूँ वेबसाइट, उसका नाम है फ्लटर आइकन, और मतलब एग्जैक्टली उसका नाम यही है, फ्लटर आइकन डॉट डॉट कॉम। तुम यहाँ पे जाओगे, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कोई भी आइकन तुम सपोज लेना चाहते हो, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ कैमरा, तो तुम जैसे कैमरा सर्च करते हो यहाँ तुम देख रहे हो कि अलग अलग टाइप के वो आ चुके हैं कैमरा के, वो देख रहे हो यहाँ पे। और अगर तुम चाहते हो कि ये सब ये है जो उसके अंदर मटेरियल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ये सारे को इंपोर्ट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिपेंडेंसीज डालने पड़ेंगी। डिपेंडेंसीज मैंने तुम्हें सिखाया कैसे डाल सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे यूजर डालू तो ये देखो यहाँ पे यूजर्स के रिलेटेड आ गए। और अगर तुमको ये कुछ भी ये डिफॉल्ट पड़े हैं, अब तुम्हें इनको यूज कैसे करना है, यूज करने का बिल्कुल सिंपल तरीका, या तो तुम इनको आइकन को इम्पोर्ट करके यूज कर लो, या फिर द अदर वेज मतलब ना, तुम इसको यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करो और इसमें जाओगे तुम नेम्स वाले ऑप्शन में, तो ये मैंने ना प्रीवियसली यूज किए थे, जैसे रिस्पॉन्स हो गया, ये हो गया, तो ये वाले आइकन का सिंबल ये है, ये वाले आइकन का ये है, ये वाले आइकन का ये है, दिस इज ऑल रिप्रेजेंटेड बाय दिस, एंड इसीलिए काफी हेल्पफुल हो सकता है तुम्हारे लिए, एंड तुम इसे अपने वाले में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, राइट। एंड ये सारे वो बताता है कि जो सारे फ्लटर के अंदर प्रेजेंट है आइकन। तो अगर मैं यहाँ पे डालूँ सपोज एड्रेस, तो एड्रेस का इसने मुझे बता दिया कि अच्छा तुम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो और ये इसका सिंबल ये होगा, ऐसे तुम एड्रेस लिखोगे तो ये आ जाएगा, आइकन डालोगे एड्रेस बुक लिंक डालोगे तो इसके लिए ये आ जाएगा, तो मैं लिंक वाला डालना चाहता हूँ तो लिंक वाला डाल सकता हूँ। सो बेसिकली दैट्स हाउ आइकन्स ऑपरेट, और ये फ्लटर आइकन डॉट कॉम है, यहाँ पे तुम जाके इन चीजों को फिगर आउट कर सकते हो। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट थिंग, तो वो भी मैंने तुम्हें इसी के दिखाई थी, क्रोम के ऊपर देर इज दिस हीट मैप कैलेंडर इन द फ्लटर। तो बेसिकली ये क्या करता है, दिस कंटेन्स मतलब कि एज अ कैलेंडर जिसके अंदर तुम अपना ये बता सकते हो कि तुमने कोई एक्टिविटी कितनी बार की, तुम ऐसे कमेंट करके कलर का कर सकते हो, एंड जस्ट गिविंग यू स्मॉल ओवरव्यू, तुम इसके जरिए तुम्हारी फाइनल असाइनमेंट होगी, यू नीड टू क्रिएट दिस, इसको ना एज इट इज कॉपी करना, और तुम देखोगे ऑटोमेटिकली जनरेटेड वो बन चुका है कैलेंडर। तो तुम्हें क्या करना, जो तुमने टू डू लिस्ट बनाई थी ना उसका डाटा इसके अंदर फीड करना है, तुम ये कैसे भी कर सकते हो, या फिर तुमने कुछ भी ऐसा वे करना है जिसके साथ तुम दोनों को लिंक कर सकते हो। एंड फ्लटर हीट मैप कैलेंडर का बिल्कुल बेसिक वे में वर्क करता है, इस सारे कोड को कॉपी करना, उसमें पेस्ट करना, वहां तुम देखोगे डाटा सेट्स होते हैं, डाटा सेट्स में जाता है टाइम की कौन कौन से प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि डे टाइम लीजिए, तो इस कैलेंडर में वो पर्टिकुलर टाइम वाले वो हाईलाइट हो जाएंगे। डाटा सेट्स अगर कोई फैमिलियर है, इट मीन्स कि मतलब जो डाटा इसके अंदर इनपुट किया जा रहा है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कलर सेट्स ये बताता है कि कौन कौन से रेंज में कलर्स है, यहाँ पे अलग अलग कलर्स हैं, तो जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू, बट जनरली होता क्या है उस सेम शेड में रखे जाते हैं। अब उस सेम शेड में कैसे रखना है, तो रेड लिखोगे ना, तो जब तुम तो जैसे तुम फ्लटर में कलर्स हैंडल करते हो यहाँ पे,
तुम जैसे ही आ रहे हो यहाँ पे इसके ऊपर, तो तुम एक ये कलर ऐड कर दोगे, उसके बाद तुम इसकी ओपेसिटी कम करके दूसरा ऐड कर दोगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। उससे होगा क्या, एक ये हीट मैप सॉर्ट ऑफ बन जाएगा, जिससे तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा दैट हाउ द हीट कैलेंडर थिंग वर्क्स, एंड इसको तुम हैबिट ट्रैकर के तौर पे अपनी असाइनमेंट में इनबिल्ट कर सकते हो। एंड इसका कोई डेडिकेटेड ट्यूटोरियल सॉर्ट ऑफ मैं बनाऊंगा, इसकी कोई वीडियो नहीं आई थी बूट कैम्प का, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि अनलेस देर आर सम्स मेजर इश्यूज, मतलब जैसे डाउट वगैरह आते हैं, तो हम ऑफकोर्स एक सेशन और रखेंगे, बट अपेरेंटली दिस इज इट फॉर दिस 5 डे बूट कैम्प। हमने अभी तक जितनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट देखी है एंड द रिस्पॉन्सेज आई एम गेटिंग ऑन द असाइनमेंट्स, दे मेक मी रियलाइज दैट यू आर गेटिंग योर गुड होल्ड ऑन फ्लटर। एंड जाने से पहले मैं तुम्हें पर्टिकुलर कुछ रिसोर्सेज बताना चाहता हूँ जिसको तुम यूज कर सकते हो अपने फ्लटर की कोडिंग को और अच्छे इन्हांस करने के लिए। So, मैं यहाँ पे अपना फायरफॉक्स के अंदर आऊंगा एंड मैं तुम्हें बताऊंगा वो पर्टिकुलर चैनल्स, ताकि यहाँ पे मेरे सर्च रिजल्ट बायस ना आए। यूट्यूब में अगर तुम्हें स्पेसिफिकली बताऊं तो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट होती है विजेट ऑफ द डे, वो फ्लटर के द्वारा ही डॉक्यूमेंटेशन है गूगल के द्वारा, तुम उसको यूज कर सकते हो। जैसे तुम विजेट ऑफ द डे डालोगे, ये देखो 141 वाली प्लेलिस्ट है, इसको हर रोज तुम एक एक दो दो विजिट्स कर सकते हो, और अगर तुम हिंदी के फैन हो देन दिस इज समथिंग दैट यू कैन चेक इट आउट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हियर दिस वेरी इंटरेस्टिंग चैनल, देखो यहाँ पे ही आ गया मिस कोको, एंड यू विल फाइंड वेरी सिमिलैरिटीज की जो मैं अपने ट्यूटोरियल्स में यूज करता हूँ, तो कोड काफी ज्यादा मैच करेंगे, बिकॉज समटाइम्स आई टेक रेफरेंस फ्रॉम हिज वीडियोस एज वेल, एंड लाइक हिज स्टाइल ऑफ टीचिंग इज क्वाइट यूजफुल एंड ही टीचेस इन इंग्लिश, एंड अगर हिंदी में जाना चाहते हो यहाँ जा सकते हो, बट दिस इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली लुक फॉर, दिस इज द फ्लटर विजिट ऑफ द वीक, और ये हर मतलब वीकेंडली अपडेट होती रहती है बाय द फ्लटर डेवलपर्स जो कि इस फील्ड में काम कर सकते हैं। सो आई एम श्योर तुम्हें ये सारे रिसोर्सेज हेल्पफुल होंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर तुम फायरबेस के साथ और करना चाहते हो, तो फायरबेस कंसोल में जाओगे तुम, वहाँ पे इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है, देखो फायरबेस डॉक्स करके, वहाँ पे सारा बताया गया कि कैसे तुम इसमें गूगल में कर सकते हो, उसके अंदर कर सकते हो, एंड ऑल द थिंग्स। तो जब तुम अपने फायरबेस में जाओगे तो ये तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी, द फंडामेंटल्स ऑफ दिस एंड द ऑथेंटिकेशन पार्ट और ये सब, तो इन सब चीजों को चेक करना। एंड आई गेस दैट इज इट फॉर दिस बूट कैंप, थैंक यू वेरी मच जो कोई भी वीडियो देख रहा है इस फॉर्मेट में, एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग एंड जॉइनिंग इन फॉर दिस वीकेंड्स एंड गिविंग मी योर 2 आवर्स एवरी अल्टरनेटिव डेज इन वीक्स। And kudos to everyone who ever attended this whole boot camp with me. और जिन्होंने भी assignment अच्छे से submit किया, they did a quite good job. And thank you for bearing me. And I hope मैं तुम्हें Flutter का एक basic वो दे पाया कि कैसे तुम Flutter के अपने boot camp के साथ progress कर सकते हो. और जैसा कि मैंने post के शुरू में कहा that Flutter basically never ensures that मैं जब पढ़ा रहा हूँ that I will make you a master of Flutter, but I will make sure ensure that कि तुम वो mindset develop कर लो जो कि Flutter developer का होता है, and that was this whole course targeting at, and I hope it was helpful in doing that. So thank you everyone, bye bye.